स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक, और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चार सालों से वेस्टइंडीज टीम से बाहर चल रहे ड्वेन ब्रावो के लिए टीम में वापसी करने का रास्ता अब और भी मुश्किल हो गया है। ऐसी कम ही उम्मीद है कि उनकी वेस्टइंडीज वनडे टीम में वापसी होगी और वो भारत के खिलाफ सीरीज खेलने आएंगे। दरअसल रिपोर्ट्स के अनुसार वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय वीजा हासिल करने के लिए तैयार की गई बोर्ड की 25 खिलाड़ियों की लिस्ट में ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो का नाम नहीं है। हालांकि वेस्टइंडीज बोर्ड के अधिकारी ने इस बारे में बोलते हुए कहा कि ब्रावो का मुद्दा यह है कि वे आंद्रे रसल, पोलार्ड, कार्लोस ब्रैथवेट, रोमन पॉवेल के साथ ऑलराउंडर स्थान के लिए खेल रहे, जिन्होंने CPL में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, इसलिए चयनकर्ताओं के पास चुनने के लिए काफी विकल्प है, लेकिन अगर वे सुपर 50 में अच्छा खेलते हैं तो उनके लिए दरवाजे खुले रहेंगे। हालांकि वेस्टइंडीज टीम की घोषणा अभी भी की जानी है, लेकिन क्रिकेट वेस्टइंडीज ने 21 अक्टूबर से शुरू होने वाली सीरीज के लिए संभावित खिलाड़ियों के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। ड्वेन ब्रावो के अलावा किरण पोलार्ड, सुनील नारायण के भी भारत के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज में वेस्टइंडीज टीम में नहीं खेलने की संभावना है। इन खिलाड़ियों का नाम भी वीजा आवेदन वाली खिलाड़ियों की लिस्ट से बाहर है। आपको बता दें कि पिछले महीने ही एक रिपोर्ट में इस खबर की जानकारी मिली थी कि ब्रावो बंधु ट्वेन और डेरेन, किरण पोलार्ड और लेनल सिमंस वेस्टइंडीज के सुपर 50 टूर्नामेंट में खेलेंगे, जिससे कि वो अगले साल होने वाले क्रिकेट विश्व कप से बोर्ड के साथ तालमेल बिठा सके और वनडे टीम में वापसी कर सके।